Good morning, students. How are you all? So, our today's topic is pipelines from the chapter 7 Lifelines of National Economy. So, in this uh, topic, we will uh, learn about the pipelines and networks of pipelines, advantages, and the problems of the pipelines. Okay, so let's start with uh, some important points. So, uh, this is a very uh, new addition to our modes of transport. Uh, pipelines have been used in the past to transport water to various places. But today, pipelines are used to transport crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries and fertilizer factories and big thermal power plants too. Clear? So, in today's time, mein jo hai hum पाइपलाइंस को किस लिए यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गैसेस टू नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज और द फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और द थर्मल पावर प्लांट्स ओके सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री विल टॉक अबाउट दैम फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर आसाम टू कानपुर इट इज़ इन उत्तर प्रदेश वाया गुहाटी बरूनी एंड अलाहाबाद एंड इट हैज ब्रांचिज फ्रॉम बरूनी टू हल्दिया वाय राजबंद एंड राजंद टू मरूग्राम एंड गुहाटी टू सिलीगुड़ी सो दिस वॉज अ फर्स्ट नेटवर्क एंडेंड नेटवर्क इज फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाय वीरमगाम मथुरा डेली एंड सोनीपत एंड इट हैज ब्रांचिज टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात चक्षू एंड अदर प्लेसेस. थर्ड वन इज गैस पाइपलाइन फ्रॉम हज़ीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान शाहजहांपुर बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश सो दीज आर थ्री नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेन इन द कंट्री नाउ कम टू द अनादर टिक एडवांटेजिज ऑफ pipelines so the following are the advantages of pipelines. so pipelines can be laid under water or over mountains and under varied terrain. yes, तो पाइपलाइंस जो है उनको हम जो है अंडर वाटर माउंटेंस के ऊपर या जो भी टेरन है उसके नीचे कैसे भी हम इसको जो है सेटअप कर सकते हैं एंड पाइपलाइंस रिक्वायर्स ओनली द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंगाइप्स एंड हैव ऑलमोस्ट

ट्रांस शिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज जिस तरह से अगर हम बात करें शिपमेंट्स के थ्रू हम लोग भेजते हैं शिप्स ship, के थ्रू तो उसमें जो होता है काफ़ी टाइम लग जाता है तो और काफ़ी लॉस भी हो जाता है तो पाइपलाइंस के थ्रू इट इज़ वेरी इजी थर्मल पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन गैस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट मच लोअर कॉस्ट एंड इन अ मच शॉर्ट टाइम पीरियड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस Another one is it is easy to monitor pipelines and keep a constant vigil over it as it is fixed at one place. And another one is uh, the, far land, the far inland locations of refineries like Baruni, Mathura, Panipat, and gas based fertilizers plants could only be conceptualized due to this mode of transportation. Okay? So, these were the advantages of pipelines. एंड येस प्रॉब्लम्स सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई दी पाइपलाइंस आर कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ वेरी हाई इनको जो बिछाने में पाइपलाइंस को बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है बहुत इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव डेंजर ऑफ लीकेज लीकेज का भी डर रहता है तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है बट अगर लीकेज हुआ तो पेट्रोलियम है या गैस है फिर वो वहाँ से काफ़ी वेस्ट हो जाता है एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम कंट्री ये इट कैन क्रिएट द इश्यूल्सो कि कोई दूसरी कंट्री के थ्रू अगर पाइपलाइन uh, पास हो रही है या किसी अदर स्टेट से पास हो रही हैं तो वहां वाली कंट्री के लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अनदर पॉइंट इज डेंजर ऑफ सेबिज सेबिज मीन्स जो जबरदस्ती या जान बूझ कर पाइप uh, लाइंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं या उनको क्षति पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो uh, इस चीज़ का भी डर रहता है इस तरह की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी टाइम फेस करने को मिलती हैं सो दिस इज़ आल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इन आर कंट्री एंड अनदर वन इज़ लैंड यूज रेस्ट्रिक्टेड लैंड यूज़ रेस्ट्रिक्टेड से यहाँ पर मतलब है कि जिस जगह से पाइप जा रही हैं जिस जगह के लिए जहाँ पे हमने पाइपलाइंस को बिछाया है वो जगह जो है अब उस लैंड को यूज नहीं किया जा सकता या उस लैंड को एकदम से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो इस तरह से जो है लैंड की जो है वो कमी भी आती है सो ठीक है सो दैट वाज द अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पाइपलाइंस ओके सो हेयर दिस टॉपिक इज आल्सो कंप्लीटेड एंड अनदर टॉपिक इज वाटरवेज और द मेजर सी पोर्ट्स Which we will discuss in our next video and in the next class. So, till then, take care and bye bye.